गाइस मैं हूं गौरव, आप देख किसी टाइम गौरव गाइस। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए 500 रुपए के अंदर 500 के अंदर सबसे बेस्ट ईयरफोन कौन से हो सकते हैं। गाइस किसी को खेलना है पबजी, किसी को सुनने बेस बूस्टेड गाने और किसी को सुनने हैं पुराने गाने और किसी को करनी वीडियो एडिटिंग। गाइस हर किसी की नीड ईयरफोन को लेकर होती है अलग। तो गाइस मैं आज आपको बताऊंगा कि आपकी नीड के हिसाब से आपके लिए बेस्ट ईयरफोन कौन सा हो सकता है। क्योंकि गाइस अगर आप 500 रुपए लेकर निकलते हैं और मार्केट में अपने लिए एक ईयरफोन लेने ढूंढते हैं तो गाइस आपको इतने ऑप्शन मिलेंगे जितने कि आपके सर पे बाल नहीं होंगे, और उनमें से अच्छे सिर्फ इतने रहते हैं जितने कि छोटा भीम के राजू के सर पे बाल रहते हैं, मतलब गिने चुने। तो क्या चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। गाइस फिफ्थ नंबर पे ईयरफोन आता है गाइस, वो आता है एमआई की तरफ से। गाइस एमआई का बेसिक ईयरफोन, गाइस ये जो ईयरफोन है गाइस इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन गाइस इसकी लुक पे मत जाइए गाइस, ये काफ़ी तगड़ी इसकी ऑडियो क्वालिटी है। और गाइस जैसे मैं बेसिक लिखा है तो गाइस मैं आपको बेसिक फीचर मिलते हैं, माइक वाइक सारे मिल ही जाते हैं। गाइस प्राइस सिर्फ 400 रुपीज़ है। गाइस बात करें तो गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि पूरा एलुमिनियम बिल्ड है, और गाइस साथ साथ में गाइस सिलिकॉन है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है क्योंकि मैंने इसे पर्सनली भी यूज़ किया है काफ़ी घंटों तक, तो कान में बिल्कुल पेन नहीं होता है। गाइस ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो गाइस ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी, आपको बेस इसमें बहुत ज़्यादा तगड़ा मिलता है, तो अगर आपको बेस बूस्टेड गाने सुनने पसंद है तो गाइस इसमें आपको सुनने में मजा आ जाएगा। नंबर का ईयरफोन गाइस हमारा आता है बोल्ट की तरफ से, बोल्ट ऑडियो बेस बर्ड्स X1। गाइस ये ईयरफोन जितना ही तगड़ा आपको दिख रहा है ना उतनी तगड़ी इसकी साउंड क्वालिटी है। गाइस इसमें आपको एक सिलिकॉन ईयरिंग भी मिलता है जिसके चलते गाइस इसे आप अगर रनिंग के टाइम यूज करते तो गाइस इजिली आपके कान से निकल के नहीं गिरेगा। गाइस साथ साथ में गाइस इसको आपको माइक भी मिलता है जैसे कि बाकी ईयरफोन में मिलता है। गाइस ये IPX5 वाटर प्रूफ है जिसके चलते अगर आपको स्वेटिंग होती है रनिंग के टाइम या जिम के टाइम तो ये खराब जल्दी नहीं होगा। गाइस इसकी बेस काफी ज्यादा तगड़ी, इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, मैं इसे पर्सनली यूज कर चुका हूँ, वैसे मैं काफी ज्यादा इंप्रेस था इसकी साउंड क्वालिटी से। गाइस साथ साथ में गाइस आपको सीरी और गूगल वॉइस का भी सपोर्ट मिल जाता है, और गाइस ये एक ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के साथ आता है, तो अगर कुछ भी होता है तो गाइस आप इजीली क्लेम कर सकते हैं और अपना रिप्लेसमेंट पा सकते हैं। सो गाइस हमारा थर्ड नंबर का ईयरफोन आता है गाइस बोट की तरफ से, गाइस बोट बेसेट्स 100। गाइस इसकी जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी, काफ़ी ज़्यादा फंकी है। गाइस अगर आपको भीड़ में अलग से दिखना है तो आप इसे ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो कलर ऑप्शन मिलते हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा फंकी है। गाइस इसका जो डिज़ाइन है गाइस पूरा डिज़ाइन इसका हॉक इंस्पायर्ड है। प्राइस की बात करूँ सिर्फ 400 रुपये प्राइस है। गाइस साथ में 4 स्टार की अमेजोन की इसकी रेटिंग है, तो आप जान सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा तभी इसे 4 स्टार मिल रखे हैं। गाइस बात करूँ तो गाइस इसमें आपको इनलाइन कंट्रोल भी मिल जाता है, मतलब वही जो ऑडियो कम ज़्यादा और माइक का रहता है वो सब आपको मिल जाता है। 10mm के ड्राइवर से गाइस जिसके चलते इसमें जो बेस है गाइस वो बेस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, ऑडियो क्वालिटी भी काफी ज्यादा तगड़ी है। कलर्स की बात करते हैं गाइस पिंक रेड ब्लैक व्हाइट 4 कलर्स में आता है गाइस, ये काफी ज्यादा ईयरफोन तगड़ा है गाइस, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। गाइस बात करें सेकंड नंबर के ईयरफोन की तरफ से तो गाइस सेकंड नंबर का ईयरफोन हमारे JBL की तरफ से आता है गाइस, JBL C50H1। गाइस इसकी प्राइस गाइस 499 रुपीज है। गाइस इसकी रेटिंग 3.6 है, पता है क्यों? क्योंकि गाइस इसकी जो ऑडियो क्वालिटी गाइस वो तो बेहतरीन है, क्योंकि गाइस आप नाम से ही जान सकते हैं JBL की तरफ से, तो मेरे को ऑडियो क्वालिटी कितनी अच्छी हो सकती है इस पर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस जो बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, गाइस इजीली ब्रेक हो जाता है अगर आप इसे थोड़ा सा भी रफली यूज़ करते हैं तो। और गाइस इसे फीचर की बात करो तो गाइस लुक इसकी ठीक ठाक सी है, और गाइस बात करूँ तो इसके 3.5mm जैक एंगुलर है, इसके चलते ब्रेक होने का बोल सकते हैं आप थोड़ा सा कम चांसेस रहते हैं। गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है तो ब्रेक हो ही जाता है। गाइस इसमें आपको साथ साथ 1 साल की मैनुफैक्चरिंग वारंटी भी इसमें मिलती है, तो कुछ भी होता है तो आप इसे आराम से क्लेम करके एक्सचेंज पा सकते हैं। फाइनली हमारा फर्स्ट नंबर का ईयरफोन आ चुका है जो कि आता है प्रोट्रॉन की तरफ से, इसका फुल नेम है प्रोट्रॉन बूम 3 Ultima 4D। गाइस ये 50 रुपये ज़्यादा महंगा है, लेकिन गाइस 50 रुपये इसमें बिल्कुल वर्थ करते हैं क्योंकि गाइस इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा औसम है। क्योंकि आपको मैंने जितने भी ईयरफोन दिखाए ना, होता क्या है कि जो बजट रेट के ईयरफोन से गाइस उसमें अगर आप बेस बूस्टेड को ईयरफोन होते हैं इसका बेस ज़्यादा तगड़ा है, तो गाइस इसमें आपको बेस तो तगड़ा मिल जाएगा लेकिन उसमें दिक्कत है क्योंकि जो वोकल्स होंगे गाइस वो वोकल्स दब जाएंगे, तो गाइस आपको बेस और वोकल्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि जहाँ बेस ज़्यादा होगा वहाँ वोकल्स कम हो जाएंगे, जहाँ वोकल ज़्यादा होगा वहाँ बेस कम हो जाएंगे। बट गाइस इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें जितना तगड़ा बेस है गाइस उतना ही क्लियर इसमें वोकल भी सुनाई देता है। और गाइस ये डुअल ड्राइवर्स ईयरफोन है जिसके चलते आप जान सकते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कितनी तगड़ी होने वाली है। गाइस साथ ही साथ में गाइस ये 4D ईयरफोन है। 4D मतलब ये होता है कि गाइस अगर आप पबजी खेलते हैं तो गाइस आपको जो फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई देगी, तो उसके चलते गाइस आपको पता चलेगा लिटरली कि कहाँ से फुटस्टेप की आवाज़ आ सकती है, और आप उस तरफ एम करके गाइस अपना निशाना लगा सकते हैं। तो गाइस उस चलते गाइस अगर आप गेमर भी हैं तो आप इसे ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, गाइस ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए तगड़ा होने वाला है। और गाइस अगर आपका 500 का बजट है, 550 रुपये का बजट, तो गाइस इसे आप आँख बंद करके ले सकते हैं। गाइस ये मेरी तरफ से फाइनल वर्डिक्ट है। तो गाइस इसमें आपको केस भी मिलता है साथ में जिसमें आप ईयरफोन्स अपना रख सकते हैं और ईयरफोन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
सो होप गाइस वीडियो पसंद है, गाइस वीडियो पसंद है तो नीचे गाइस एक थम्स अप का बटन अगर दबा के ब्लू कर देना गाइस। साथ ही साथ मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ वीडियो छोड़ के गाओ गाइस। एक लड़का था, वीडियो पूरी देख लिया लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना भूल गया, दूसरे दिन वो लड़का ही नहीं मिला। इसलिए बोल रहा हूँ गाइस वीडियो को लाइक कर देना गाइस, नीचे लाल कलर का बटन को दबा देना, मंदिर घंटी की तरह ऐसी घंटी भी दबा देना, कुछ पूछना हो कुछ डाउट है सजेशन देना नीचे कमेंट कर देना। तो बस गाइस उम्मीद था, थैंक यू।